मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नाम काफी बड़े हैं और जीत के कितने करीब हैं सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 15 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 15 प्रत्याशियों के नाम सामने आते ही बीजेपी में खलबली मच चुकी है, क्योंकि काफी बड़े नामों को यहां पर कांग्रेस ने जगह दी है। तो 15 प्रत्याशी यहां पर सामने आ चुके हैं, सभी की आपको जानकारी देंगे, कहां से किसका पलड़ा भारी यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने 3 सर्वे यहां पर कराए, तो तीनों सर्वे में इन बड़े नेताओं का काफी बड़ा दबदबा था, इस कारण से कांग्रेस ने इन 15 प्रत्याशियों को जगह दी है। जहां दोस्तों पहला नाम सुरेश राजे का नाम है, जो कि डबरा से है, और इमरती देवी को काफी यहां पर बड़ी शिकस्त देने वाले हैं। यह बड़ी खबर मध्यप्रदेश उपचुनाव आपको लेकर आ रही है। अगली अगर सीट की बात की तो फूल सिंह बरैया वांडेड विधानसभा सीट से एक बड़ा नाम है, उनका नाम पहले से भी चर्चा में था और इससे पहले भी आपको जानकारी दी कि फूल सिंह बरैया एक बड़ा नाम है और वांडेड से काफी बड़ा नाम वो माने जा रहे थे। इसके अलावा अगर बात करें तो प्यागीलाल जाट ऑफ करेरा से इनका नाम भी पहले सामने था, लेकिन अब फाइनल हो चुका है और कांग्रेस की पहली लिस्ट में इनका नाम फाइनल हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो कन्हैया लाल अग्रवाल बमोरी विधानसभा सीट के लिए भी काफी बड़ा नाम है और बीजेपी को कहीं ना कहीं बड़ा टक्कर यहां पर देने वाले हैं इस उपचुनाव के दौरान। इसके अलावा आशा दौरी का नाम भी यहां पर सामने था, अशोक नगर से इनको फाइनल कर दिया गया है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की जिनमें 15 प्रत्याशियों को जगह मिली है। कौन कौन सी यहां पर सीट पर किस प्रत्याशी को बनाया है सारी जानकारी, विश्वनाथ सिंह गुंजाम का अनूपपुर से यहां पर सामने नाम है और एक बड़ा नाम कांग्रेस की तरफ से यह भी निकलकर सामने आ रहा है जो सर्वे यहां पर निकला था। इसके अलावा मदन लाल चौधरी अहिरवार सांची विधानसभा सीट से काफी बड़ा नाम है, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो बीजेपी से नेट मंत्री यहां पर चुनावी मैदान में है, तो उनको यहां पर मदन लाल चौधरी अहिरवार यहां पर उनको टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि सर्वे में उनका पलड़ा भारी नजर आया है। इसके अलावा अगर बात की तो विपिन बानखेड़े आगर मालवा सीट से यहां पर चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और काफी बड़ा नाम इनको माना जा रहा है इस सीट के लिए, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो अगली सीट यहां पर राजवीर सिंह बघेल का नाम है। हाट पिपलिया सीट भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, कांग्रेस तरफ से इनको जगह मिली है। इसके अलावा अगर बात की तो रामकिशन पटेल नेपा नगर ये भी काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही, क्योंकि आखिर में यहां पर कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायक के कारण ये सीट खाली थी और अब यहां पर कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी रामकिशन पटेल को यहां पर जगह दी है। इसके अलावा अगर बात करें तो प्रेमचंद गुड्डू सामेर विधानसभा सीट सबसे महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहां पर बीजेपी से तुलसी सिलावट चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। तो कांग्रेस से गए यहां पर तुलसी सिलावट, अब बीजेपी से उतरने वाले चुनावी मैदान में, तो बीजेपी से गए प्रेमचंद गुड्डू सामेर विधानसभा, यानी दोनों ही दल बदल नेता हैं और अब क्या होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी सीट मध्य प्रदेश उपचुनाव में इसी को मानी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो रविंद्र सिंह तोमर यहां पर दिमनी विधानसभा सीट से एक बड़ा नाम है और कांग्रेस ने इन्हीं को यहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा सत्य प्रकाश सकबार का नाम अमह विधानसभा सीट से है, इनका नाम भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और चुनावी सर्वे में काफी महत्वपूर्ण स्थिति में माने जा रहे हैं। इसके अलावा मेवा राम जाटव गोहद विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने इनको अपना उम्मीदवार बनाया है। यहां पर अगर बात करें सुनील शर्मा ग्वालियर विधानसभा सीट जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ माना जाता है, उसको यहां पर ढहने के लिए सुनील शर्मा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है और बीजेपी में कहीं ना कहीं खलबली है, जिस प्रकार से यहां पर चुनावी मैदान में जल सैलाब इन नेताओं के जाने से मिला है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नाम यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट यहां पर जारी किया है, 15 प्रत्याशियों को अपना उम्मीदवार बना दिया है, काफी बड़े नाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो बीएसपी ने भी अपने 8 कैंडिडेट की लिस्ट यहां पर जारी किया है, लेकिन बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन बीजेपी से खबर है कि बीजेपी यहां पर 22 जो विधायक सिंधिया के साथ गए थे उनको ही चुनावी मैदान में उतारने वाली है। तो यह चुनाव काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, अपनों को मनाने के साथ साथ बागियों को साधने का काफी महत्वपूर्ण अब जिम्मा बीजेपी के साथ रहने वाला है। तो बीजेपी कब अपने पत्ते खोलेगी इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द देने वाले हैं, तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।